सो गाइस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में कॉम्प्लेक्स नंबर में ये पार्ट 55 है एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट पार्ट। अप टू 2020 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे आ गए और इसको मैं बिल्कुल जो उसकी प्लेलिस्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर की उसमें प्लेस कर दूंगा। तो उस तरह से टोटल 55 डिफरेंट पार्ट्स वहाँ पे अवेलेबल होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट 55 गाइस एंड दिस इज गोइंग टू द पार्ट 55। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये भी आपके 2019-20 के मिक्स क्वेश्चंस हैं सारे जितने भी आए हुए हैं। सो 9th of January 2019 जेई मेन मॉर्निंग सेशन का क्वेश्चन ही है, राइट। लेट ए इक्वल्स टू एंड दिस इज थीटा गिवन गाइस, दिस इज थीटा। सो थीटा बिलोंग्स टू ही सेज दैट थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, राइट। माइनस पाई टू टू पाई बाई पाई सॉरी एंड सच दैट 3 + 2 आइटा साइन थीटा अपॉन 1 - 2 आइटा साइन थीटा इज प्योरली इमेजनरी। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजनरी होगा। देन सम ऑफ द एलिमेंट्स इन द ए, सो ए इज अ सेट। तो सेट ए क्या कंटेन करेगा, वो एंगल कंटेन करेगा जो कि आपके माइनस पाई बाई टू से पाई के बीच में होंगे। माइनस पाई बाई टू से पाई के बीच में हम वो एंगल्स निकालेंगे और उन एंगल्स का सबका सम होगा। वो किस केस में होगा, जबकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो गिवन है दैट विल बी द प्योरली कॉम्प्लेक्स प्योरली इमेजिनरी नंबर, राइट। और ये इसके प्योरली इमेजिनरी होने के लिए एक काम करते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेंगे 3 + 2 आइटा साइन थीटा। इसको मैं थोड़ा शॉर्ट वे में यूज करूंगा, मैं चाहूंगा कि शॉर्टकट इसमें ये लगाया जाए। और कैसे हम थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं वही देख रहे हैं, रैशनलाइज कर देंगे। 1 + 2 आइटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 2 आइटा साइन थीटा हो जाएगा गाइस, राइट। सो अब देखिए यहाँ पे जब मुझे पता ही है कि ये नंबर प्योरली इमेजिनरी है, इमेजिनरी इट मीन्स रियल पार्ट ऑफ जेड 0 है, रियल पार्ट ऑफ जेड इज 0। और उसी चीज को स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखना है क्योंकि डायरेक्टली हमें वहीं पे आना है। तो हम इसका रियल पार्ट ही निकालें, यहाँ पे ये 3 आ रहा है, सो दिस इज द 3। और नीचे वाला पार्ट तो रियल निकल ही जाएगा आपका, ठीक है। तो ये 3 3 × 1 3 देगा, राइट। और रियल रियल पार्ट पूरा निकाल लेंगे, इमेजिनरी को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। सो 3 × दिस नंबर दिस इज इमेजिनरी, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा इमेजिनरी देगा। एंड दिस इज द 4 आइटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सो 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बनेगा गाइस। और नीचे आप लिख सकते हो 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। एंड इट इज इक्वल टू 0, वेरी सिंपल, राइट। अब हमने डायरेक्ट कंडीशन पे आ रहे हैं, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो उड़ा दो, आपको उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, सो साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 3/4, और साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी √3/2 विद द प्लस माइनस साइन, ठीक है। अब हमें खाली एक चीज चेक करनी है कि साइन थीटा में थीटा निकालना है, थीटा की वो वैल्यूज कितनी पॉसिबल होंगी जो कि वो एंगल्स जो कि माइनस पाई बाई टू से पाई के बीच में लाई करेंगे। तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड साइन थीटा का ग्राफ बना दीजिए, साइन थीटा का वो ग्राफ जो कि आपका लाई कर जाएगा किसके बीच में, माइनस माइनस पाई बाई टू से लेके माइनस पाई बाई टू से लेके पाई के बीच में। अब यहाँ पे जो वैल्यूज हैं √3/2, √3/2 आपको मालूम है कि √3/2 ये हाइट होगी सपोज, राइट। सो दिस √3/2 इज एट द पावर 3, और यहाँ पे भी होगा एंड दिस एंगल विल बी डेफिनेटली पाई माइनस पाई बाय 3। सो दिस इज द पाई माइनस पाई बाय 3 एंड दिस इज 2π/3। 2π/3 वैल्यू पे भी सेम वैल्यू होती है √3/2। अच्छा पीछे हम जाएं इधर तो -π/3 पे भी सेम एंगल होता है, -π/3 पे भी आपको यही वैल्यू मिलती है बट इन नेगेटिव। तो ये जो वैल्यू है माइनस का √3/2 इट इज एट द -π/3, और ये √3/2 वैल्यू देगा, और ये भी आपको √3/2 वैल्यू देगा, ग्राफ से साफ साफ मालूम पड़ रहा है, ठीक है। एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ द एलिमेंट्स इन द सेट ए, ठीक है। सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, देयरफॉर सम निकाल लेंगे। जो एंगल्स हैं वो निकल के आए आपके पास में, -π/3 आया, प्लस यहाँ पे π/3 आ गया गाइस, और दिस इज 2π/3। सो 2π/3 दिस इज द सम ऑफ द ऑल द एंगल्स, दिस 0। तो जो सम की वैल्यू वो कितनी आ गई,
दिस इज 2 पाई बाई टी, ठीक है ना, इस तरह से ये आ जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं। सो गाइज दिस द नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th of January 2020 का जी मेन का क्वेश्चन है, और वही बात है कि इफ द रियल पार्ट ऑफ द रियल पार्ट ऑफ जेड माइनस वन अपॉन टू जेड प्लस आइटा इक्वल्स टू वन, जेड इज गिवन एज द एक्स प्लस आइटा वाई, जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, और इसका रियल पार्ट लिखेंगे। रियल पार्ट ऑफ दिस वैल्यू व्हेन जेड इज एक्स प्लस आइटा वाई इज वन, दिस इज गिवन, देन द पॉइंट एक्स वाई लाइज ऑन। तो ये जो पॉइंट एक्स कॉमा वाई, तो ये किस पे लाई करते हैं, स्ट्रेट लाइन पे, स्लोप टू, स्ट्रेट लाइन स्लोप हाफ, सर्कल विद अ डायमीटर रूट 5/2, सर्कल विद अ डायमीटर 1/2। तो बहुत आसान काम है ये भी कि हम इसका रियल पार्ट निकालेंगे। तो आप एक काम करेंगे कि पहले इसको सिंप्लीफाई कर दें, इससे z माइनस वन अपॉन एंड टू जेड, टू जेड प्लस आइटा, ठीक है, z को हम लिखेंगे x प्लस आइटा y, x प्लस आइटा y माइनस वन एंड टू टाइम्स ऑफ टू एक्स प्लस टू आइटा वाई, 2x प्लस 2 आइटा वाई प्लस ये भी आइटा होगा, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने पूरा, और यही मैं इसको रैशनलाइज कर देता हूँ। तो रैशनलाइज करने में आप ये देखिए, ये रियल पार्ट रहा, पहले इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, दिस इज x माइनस वन, x माइनस वन प्लस आइटा वाई, और नीचे वाला जो पार्ट है वो आएगा 2x एंड प्लस आइटा अगर कॉमन आएगा तो दिस इज 2y प्लस वन, 2y प्लस वन। एंड नाउ इसको मैं रैशनलाइज कर देता हूँ, सो x माइनस वन प्लस आइटा वाई, थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक इसमें भी यूज़ करेंगे हम लोग, क्योंकि ज़रूरत नहीं है, जब ये बोल रहा है रियल पार्ट वन लिख रहा है तो इसका रियल पार्ट ही निकाला जाए, दूसरे पार्ट को नहीं लेंगे हम। सो x माइनस वन, टू एक्स, सॉरी, यहाँ जो रैशनलाइज होगा ये इसके थ्रू होगा, 2x माइनस आइटा एंड 2y प्लस वन, टू वाई प्लस वन डिवाइडेड बाय 2x माइनस आइटा एंड 2y प्लस वन, ठीक है, जो रैशनलाइज करेंगे। अब मैं खाली इसका रियल पार्ट ही लिखने वाला हूँ, क्योंकि कंडीशन में ये दिया है रियल पार्ट ऑफ दिस, रियल पार्ट ऑफ z माइनस वन अपॉन टू जेड प्लस आइटा एंड दिस वैल्यू इज गिवन इक्वल्स टू वन। तो इसका अब हम रियल वाला पार्ट ही निकाल लेंगे, इमेजिनरी पार्ट को छोड़ेंगे, रियल पार्ट को वन के इक्वल लिखेंगे, राइट। तो एक तो ये रियल आपका 2x जब x माइनस वन से मल्टीप्लाई होता है तब आता है, और जब आइटा वाला आइटा से मल्टीप्लाई होता है, सो अब माइनस आइटा स्क्वायर प्लस हो जाएगा, प्लस का y इंटू टू वाई प्लस वन आएगा, ठीक है। और नीचे वाले पार्ट को हम लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस एंड दिस इज 2y प्लस वन का होल स्क्वायर, राइट, ये आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू वन गिवन। उसने यही बोला, इसका हम खाली रियल पार्ट को कैलकुलेट किया, एज यहाँ पे लिख सकते हैं आप एज गिवन, सो दिस वैल्यू इज गिवन। तो अब इसको ओपन करता हूँ मैं, सो दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 2x, माइनस 2x प्लस 2y स्क्वायर प्लस वाई प्लस y, और जो नीचे वाला पार्ट है इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ऊपर ले जाएंगे, सो कैन बी रिटन एज 4x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 का स्क्वायर, 4y स्क्वायर प्लस 4y, दिस इज 4y प्लस 1 प्लस 1, जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसमें 2x स्क्वायर, ये नंबर पूरा हम इस तरफ ले रहे हैं, 2x स्क्वायर ये बचाएगा प्लस 2y स्क्वायर बचाएगा, राइट, और आपकी वैल्यू आ जाएगी प्लस 2x, सो दिस विल गिव यू द कंप्लीट 2x वैल्यू। y की वैल्यू आ जाएगी प्लस 3y, 4y माइनस दिस इज y, और प्लस 1 इस तरफ कांस्टेंट बचेगा, दैट इज इक्वल टू 0। एंड इसको जनरल फॉर्म में अभी हमें दिख गया है कि ये स्ट्रेट लाइन तो हो नहीं सकती है, इट कैन बी द सर्कल, तो इसको आप जनरल फॉर्म में लिखने के लिए इसको डिवाइड कर दोगे 2 से, राइट, सो दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3/2y प्लस 1/2 इक्वल टू 0। सर्कल क्लियर कट है, अब हम सेंटर लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड करके माइनस से मल्टीप्लाई करना, सो दिस इज दिया 2 से डिवाइड करके माइनस से मल्टीप्लाई करना, सो दिस द सेंटर एंड दिस द रेडियस, इसकी रेडियस हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 1/4 प्लस 9/16
माइनस सी इज 1/2, इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए 16, तो 4 प्लस 9 माइनस का 8, तो 1/5 root 5 by 4, दिस इज द रेडियस, और यहाँ पे रेडियस डायमीटर दे रहा है, तो डायमीटर हम लिख लेंगे √5/2। तो अब हमारे पास में डायमीटर आ गया, सेंटर आ गया, सेंटर माइनस 1/2, सो सर्किल विद द डायमीटर। ओके, ये तो डायमीटर की ही बात कर रहा, खाली सेंटर निकालने की जरूरत नहीं थी, नो प्रॉब्लम, मैंने निकाल दिया गलती से, ठीक है। तो यहाँ पे जो डायमीटर है √5/2 होगा, सर्किल विद द डायमीटर √5/2, सी ऑप्शन इसमें गाइस राइट हो जाएगा, राइट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो गाइस, दिस इज द क्वेश्चन 11th of January 2019 JEE मेन इवनिंग सेशन का क्वेश्चन है। लेट जेड विद अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड्यूलस ऑफ जेड प्लस जेड इक्वल्स टू 3 प्लस आइटा, राइट। सो वेयर आइटा इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस 1, राइट। सो देन मॉड्यूलस ऑफ जेड इक्वल्स टू, तो वो वैल्यू निकालनी है। अब आपको एक काम करना पड़ेगा कि यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड जेड जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे, लेट एक्स प्लस आइटा वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेंगे, और मॉड जेड का मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू, वो निकालनी है आपको। इस इक्वेशन से ही वो सारा वर्कआउट होना है, तो उसके लिए मेन वर्क ये करना है आपको कि मॉडुलस ऑफ जेड मीन्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दीजिए, डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। और एक्स प्लस आइटा वाई, एक्स प्लस आइटा वाई इक्वल्स टू 3 प्लस आइटा, और आपको कंपेयर कर लेना है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, राइट। तो यही ये कर सकते हैं यहाँ पे। सो एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3, एक इक्वेशन बन जाती है, दूसरी ये बनेगी। तो यहाँ पे जो आइटा वाई इक्वल्स टू आइटा, तो सो वी कैन राइट द वाई वैल्यू इक्वल्स टू 1, वाई की वैल्यू 1 है तो उसको यहाँ प्लेस कर देंगे, एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 3। अब खाली x की वैल्यू निकालने का काम रह गया, तो वो निकल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर कर दीजिए, सो दैट इज द एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है गाइस, एक्स स्क्वायर कैंसिल, एंड 6x इक्वल्स टू 8 इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू 4/3। जब x की और y की दोनों वैल्यूज मिली गई, देयरफॉर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो निकालना है आपको, हो गया काम। सो दैट वैल्यू इज एक्स स्क्वायर मीन 16/9 प्लस, एंड दिस वैल्यू प्लस वाई स्क्वायर 1, राइट। 16 प्लस 9 दैट इज 25, 5 आएगा, नीचे 3 आएगा, 5/3 इज द आंसर। सो द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, वेरी इजी, सिंपली इसको लिखना था, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कराने थे, और उससे एक्स वाई की वैल्यूज आ गई, सो वी कैन फाइंड आउट द मॉडुलस ऑफ जेड, राइट। सो इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन 12th of January 2019 जेई मेन इवनिंग सेशन का। लेट जेड वन एंड जेड टू बी द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स सेटिस्फाइंग मॉडुलस ऑफ जेड वन इक्वल्स टू 9 and modulus of z2 minus 3 minus 4 iota equals to 4। ये देखिए सर्किल है, ये तो z1 इस तरह का है, वो भी एक सर्किल बना रहा है, z2 भी सर्किल बना रहा है, then the minimum value of z1 minus z2, तो z1 जो कि आपका फर्स्ट वाले इस सर्किल पे लाई कर रहा है, सेकंड इज ऑल्सो सर्किल, सो दीज आर बोथ आर लाइंग ऑन टू द सर्कल, वी हैव टू फाइंड आउट द z1 minus z2 मिनिमम वैल्यू। तो z1 माइनस z2 तो दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गई, बट वी हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम डिस्टेंस, राइट, बिटवीन द टू सर्कल्स, बोलेंगे इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। तो देखिए दोनों सर्कल्स अगर हम ड्रॉ करें, और ये जो पहला सर्कल है एक्चुअल में इस पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है, दैट इज द फर्स्ट सर्कल ये ले लेंगे, और इसकी जो है रेडियस है 9, so it is with the centered at the 0 0, z1 minus 0 and radius is 9, so aap isko plot kar dijiye, plot karke bahut aasani se ye question jo hai simplify ho jayega, so this is the circle,
विद द रेडियस 9, तो ये हमने इस पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इस पे इस तरह से मूव कर रहा है, राइट। और सेकंड क्या है, सेकंड को आप लिखेंगे z2 माइनस 3 प्लस 4 आइटा, राइट, एंड इक्वल्स टू 4। सो 4 इज द रेडियस और ये उसका सेंटर है 3 4, तो ये 9 होते हैं हमारे पास में ना, 3 4 पोजीशन यहाँ कहीं होती है, और 3 4 की ओरिजिन से अगर डिस्टेंस देखें तो 4 5 हो जाती है। तो डिस्टेंस अगर ये 5 हो चुकी तो अब हमारे पास में 4 बची है, और यहाँ एक सर्कल बनाएंगे हम 4 रेडियस का, राइट। तो ये जो जगह है, दिस पॉइंट इज अ 3 4 गाइस, राइट, एंड आई हैव टू मेक दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो अगर 4 रेडियस का बनाऊंगा मैं तो इसको कट करेगा, इसको टच करेगा, तो एक ऐसा सर्किल बन जाएगा। तो इसको आपको नहीं देखना है, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि अगर ये 3 और 4 है तो 5 तो ये ऑलरेडी हो चुका, और इसकी रेडियस 4 है, तो अगर ये इसको यहाँ टच करेगा, 4 रेडियस का अगर मैं सर्किल बनाऊंगा, इस पॉइंट को थोड़ा सा यहाँ कर लीजिए आप, ठीक है। तो सर्किल को अब हमें ये मालूम चलने लग गया कि इसको टच करेगा, दैट सर्किल विल टच, वाई, बिकॉज ये यहाँ पे भी टच करेगा, यहाँ कट कर जाएगा हालांकि, लेकिन इधर टच करेगा। रीजन ये है बिकॉज दिस लेंथ इज अ 5 और ये सर्किल की रेडियस देख रहे हैं आप 4 है, तो 4 रेडियस जो बची हुई रेडियस है वो यहाँ आ जाएगी, एंड एग्जैक्टली इट विल टच फ्रॉम इनसाइड, तो दिस सर्किल विल टच फ्रॉम इनसाइड, और इनसाइड से अगर टच करेगा तो इस पे अगर कोई पॉइंट z2 लाई कर रहा है और इस पे z1 लाई कर रहा है, तो जो z1 माइनस z2 का मिनिमम डिस्टेंस है वो 0 हो गया गाइस, दैट इज 0, बिकॉज एट दिस पॉइंट बोथ आर देयर, z1 और z2 दोनों पॉइंट्स यहाँ पे हो सकते हैं इस जगह पे, z1 बिकॉज लाई कर रहा है बड़े वाले सर्किल पे और z2 पॉइंट लाई कर रहा है स्मॉल सर्किल पे, तो मिनिमम डिस्टेंस इज 0 गाइस, वेरी इजी, राइट। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हियर। तो ये स्पेशली स्केच करने से ही सारी इसकी कंडीशन सामने आ जाती है, कैसे वर्कआउट करना है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद में आप आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे। सो वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन 2π/9 प्लस आइटा कॉस ऑफ 2π/9 की पावर 3, और नीचे भी ऐसा ही है साइन में, यहाँ खाली माइनस का फर्क है, ठीक है, और ये चार ऑप्शन इस तरह से दिए हुए हैं। अब एक चीज देखिए इसमें कि इसमें अगर फॉर्मूला यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा होता तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख लेता मैं, और ये साइन में होता तो मेरे लिए बहुत आसान था, इसको वापस एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की उस फॉर्म में लिखना, इसकी वैल्यू निकालनी थी आपको पूरी वैल्यू, और इसको एक सिंगल नंबर में कन्वर्ट करना है। ये जो चार ऑप्शन देख रहे हैं इसमें ये एक सिंगल नंबर में कन्वर्ट हो गया गाइस, तो उसका क्या तरीका, देखिए किस तरह से वर्कआउट करेंगे इसमें। एक काम करेंगे आपकी जो इसको साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, सो कॉस ऑफ इसको लिख लेंगे, कॉस ऑफ दिस इज पाई बाई 2 माइनस का 2π/9, राइट। सो कॉस ऑफ ये साइन में था, कॉस लिख के 90 माइनस थीटा कर दिया मैंने, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 9 to 18 to 9π माइनस 2π, ठीक है ना, और 9 to 4π आएगा, तो दिस विल बी द कॉस ऑफ 5π/18। तो जो साइन का नंबर है, साइन की वैल्यू थी साइन 2π/9, इसको आप लिख सकते हैं कॉस ऑफ 5π/18, ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले हम सारे कन्वर्ट कर देंगे इस तरह से, ठीक है ना, और कन्वर्ट करके आप लिखोगे 1 प्लस साइन वाला जो है, क्योंकि ये तो मालूम पड़ गया कि अगर ये साइन का 2π/9 है तो इसको मैं कॉस में, ये साइन को कॉस में और कॉस में साइन में, क्योंकि सभी जगह एंगल वही है, 2π/9 2π/9 2π/9, तो साइन को कॉस लिख के लिख देता हूँ मैं, कॉस ऑफ कितना लिखूंगा 5π/18 लिख देंगे गाइस, और प्लस आइटा इसको साइन लिखेंगे, बट इट इज 5π/18। आपको बात समझ आ रही है, एक ही कन्वर्जन से हमने सब जगह चेंजेस कर दिया, साइन वाले को कॉस में लिख देंगे, 1 प्लस कॉस ऑफ दिस इज 5π/18 माइनस आइटा साइन ऑफ 5π/18 आ जाएगा, ठीक है, और इस पे पावर 3 3 था, तो ठीक है, मैं पावर सेपरेट करके लिख रहा हूँ अभी, तो 1 प्लस कॉस थीटा होता 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2,
तो 5π/36 हो जाएगा, 5π/2 एंगल और 2 से डिवाइड करेगा, ठीक है ना। 1 cos θ 2 cos² θ/2 5/36 एंड प्लस आइटा इंटू साइन 2θ की तरह से देखेंगे, 2 sin 5π/36 एंड कॉस ऑफ 5π/36 इसको देखेंगे, ठीक है। इस पे पावर 3 है, नीचे भी पावर उतनी है, ठीक है। तो ये भी सेम ही आएगा, बीच में बस माइनस आएगा। तो 2 cos² 5π/36 माइनस का आइटा 2 sin 5π/36 एंड कॉस ऑफ 5π/36 वैल्यू स्क्वायर ही है, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, 2 सब जगह उड़ा दीजिए, 2 उड़ा दीजिए, कॉस का कॉमन लेके कट कर देंगे सब जगह, एक कॉस की वैल्यू कट हो जाएगी, ये कॉस कट, ऊपर से कॉस कट, एक तो 2 अट गया, ठीक है, और एक कॉस की वैल्यू भी खत्म कर दी। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है और नीचे वाले पोर्शन में माइनस का फर्क है, ठीक है ना। तो इसमें जब मैं इसमें प्रॉपर्टी लगाऊंगा, डी मॉर्गन थ्योरम लगाएंगे हम, और इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज कॉस ऑफ 5π/36 प्लस आइटा साइन ऑफ 5π/36, ठीक है, टू द पावर 3 है, और नीचे भी वही है, कॉस ऑफ 5π/36 माइनस आइटा साइन ऑफ, अच्छा माइनस लिखे तो प्लस लगा के मैं पावर 5π/36 यहाँ पे -3 पावर लिख सकता हूँ, और इस तरह से टोटल 6 पावर हो जाएगी इस पे। तो यू कैन एट द कॉस ऑफ 5π/36 प्लस आइटा साइन ऑफ 5π/36 टू दी पावर 3, और 3 पावर ऐड हो जाएगी, 6 पावर हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें डी मॉर्गन थ्योरम लगा देंगे, और इसको आप लिखेंगे कॉस 5π/36 इंटू 6, ठीक है ना। तो प्लस का आइटा साइन ऑफ 5π/36 इंटू 6, ये एंगल में ही मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसको लिखा जाएगा 5π/6 प्लस आइटा साइन ऑफ 5π/6, ठीक है। cos π/6, cos पाई -π/6 होता है, ठीक है, और पाई -π/6 -π/6 होता है, -cos π/6 वैल्यू हो जाएगी, लेकिन साइन में पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो साइन में पॉजिटिव वैल्यू होगी आइटा साइन ऑफ 5/6, ठीक है। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी -√3/2 एंड प्लस sin π/6 1/2 इंटू 1/2। तो ये आप चेक कर लीजिए, तो -√3/2 फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ये वाला था, एंड फाइंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ 3 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ -√54, राइट, और उसका रूट है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हम स्क्वायर रूट निकालते हैं वो है, और सेकेंड पार्ट में फिर एक दूसरा पार्ट है उसका भी स्क्वायर रूट किया हुआ है। तो आपको इस पूरे पार्ट को सॉल्व करना है, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट। तो उसको आप जेड लेट कर लेंगे, और इसको मैं रूट में उसी पैटर्न से लिख लेता हूँ जैसा हम रूट निकालते थे। सो 3 प्लस ये हो जाएगा 3 + 2, और 9 6 = 54, 9 से 3 बार आएगा, तो 6√6 हो जाएगा, 6√6 आइटा आप लिखेंगे, ठीक है। माइनस इसी तरह से यहां लिखेंगे 3 - 6√6, 6√6 आइटा, राइट, और इसका भी रूट हो रहा है, सो द रूट ऑफ दिस नंबर आल्सो। अब देखिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब आप रूट लिखते हैं, सो ए प्लस आइटा बी इस फॉर्मेट में लिखते हो आप, ठीक है, और उसको हम इस तरह से लिखा करते हैं, प्लस माइनस मॉडुलस ऑफ जेड प्लस ए बाई टू एंड प्लस माइनस आइटा मॉड ऑफ जेड माइनस ए बाय टू, इस तरह से लिखते हैं। तो अगर यहाँ पे ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उसको फिर आप लेट कर लीजिए, लेट से दिस इज जेड वन एंड माइनस जेड टू हम करने वाले हैं, तो जेड वन का मॉड निकालूं या जेड टू का मॉड निकालूं, दोनों सेम ही आएंगे गाइस, ठीक है। तो जेड वन का अगर मॉड लिखते हैं तो वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, 9 प्लस और 36 इंटू 6 216, ठीक है, और उसका 225 15 आएगा, तो ये नंबर 15 आएगा, तो यहां पे लिखेंगे 15 15 + 3, और a वैल्यू इज 3 3/2, ठीक है। तो यहां z1 का अगर हमें लिखना होता है, स्क्वायर रूट लिखते हैं, तो वो डिपेंड करता है b वैल्यू पे, अगर b वैल्यू पॉजिटिव तो है
तो दोनों या तो पॉजिटिव लिखेंगे या दोनों नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है। पहले मैं इनको लिखता हूं, फिर बाद में हम डिसाइड करते हैं किस तरह से वर्कआउट होगा गाइस। सो दिस इज द प्लस माइनस, प्लस माइनस आएगा, मॉड जेड होगा हमारे पास में 15 प्लस 3 बाई 2, राइट, एंड प्लस माइनस आइटा इंटू दिस इज 15 माइनस 3 बाई 2, ठीक है। ये आप बात समझे, ये फर्स्ट वाले का वर्कआउट हुआ, सेकंड माइनस होगा, लेकिन यहां मैं प्लस माइनस पहले लिख देता हूं और सेम वैल्यू देने वाला है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको पहले सॉल्व कर लेता ठीक रहता, तो कोई बात नहीं गाइस, इसको हम लिखेंगे प्लस माइनस, प्लस माइनस सेम चीज यहाँ पे भी आएगी, तो 15 तीन 18 बाई टू 9, तो 3 आएगा, 3 आएगा, प्लस माइनस आप लिखोगे एंड दिस इज 12 6, रूट 6 आने वाला है, ठीक है ना। तो इसी चीज को मैं यहाँ लिखूंगा वापस, सो दैट इज द प्लस माइनस 3 प्लस माइनस रूट 6 आइटा है यहाँ पे, हाँ, सो दिस इज प्लस रूट 6 आइटा। ये फर्स्ट वाले नंबर का हिसाब किताब होगा, सेकेंड में भी ऐसा ही होगा, सेकेंड में भी यही लिखेंगे। सो बिकॉज ये तो माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे तो माइनस ए बाई टू लगता है गाइज, है ना, और इस पे ए पे डिपेंड करती है इसकी वैल्यू। सो दैट इज द 3 प्लस माइनस रूट 6 आइटा आएगा, रूट 6 आइटा आएगा, लेकिन यहाँ बी पॉजिटिव होने की वजह से या तो हम दोनों पॉजिटिव लिखेंगे या दोनों नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है। तो इस जगह जो आंसर है, या तो मैं 3 प्लस रूट 6 आइटा लिखूंगा या फिर माइनस 3 माइनस रूट 6 आइटा लिखूंगा। देखिए यहाँ दो ऑप्शन आएंगे मेरे पास में, और अगर इस तरह से होता है, अगर यह b वैल्यू नेगेटिव होती है तो आपको मालूम है कि एक प्लस का होगा या दूसरा माइनस का होगा, ठीक है ना। तो यहां तो लिखेंगे 3 माइनस रूट 6 आइटा, या फिर हम दूसरा जो रूट लिखेंगे इसका, पॉसिबिलिटी जो सेकेंड है इस ब्रैकेट में z2 के लिए, ठीक है, वो आएगी माइनस 6 प्लस रूट 6 आइटा आएगी, ठीक है। तो अब आप एक काम करेंगे, इसके दो पार्टीशन फिर कर लेंगे कि अगर हम इसका प्लस वाला ले लेते हैं और इसमें से ये वाला उठाते हैं, वैल्यू पिकअप करते हैं, तो क्या वैल्यू दे रहा है, राइट। सो 3 प्लस, तो 3 प्लस आएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा और रूट 6 आइटा और रूट 6 आइटा ऐड हो जाएगा, तो रूट 2 रूट 6 आइटा वैल्यू देगा, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी यह है, अगर मैं इसके प्लस वाले के साथ इसको लेता हूं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाना है, तो 6 आएगा और इसमें ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी गाइस, राइट। तो वैल्यू 6 भी आ सकती है, 6 आएगी। अब इसका माइनस वाला वैल्यू उठाते हैं, हम इसका माइनस उठाएंगे, इसका प्लस वाला वैल्यू उठाएंगे, तो माइनस 3 माइनस 3 ये माइनस 6 देगा, माइनस 6 देगा, इसका सेकंड पार्ट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। अगर इसका माइनस वाला लिया है तो इसका हम प्लस वाला ये वाला वैल्यू पिकअप करेंगे, ठीक है। तो माइनस 6 रूट आइटा, तो ये माइनस और प्लस ये कैंसिल गाइस, राइट, और माइनस रूट 6 आइटा और माइनस रूट 6 आइटा, तो ये देगा माइनस का 2 रूट 6 आइटा, राइट। तो दो नंबर्स बनेंगे इसमें, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट की बात कर रहा है, तो ये जो नंबर है उसका हमें खाली फाइंड द इमेजिनरी पार्ट लिखना था। तो दो नंबर्स ये हैं, राइट, तो 2 रूट 6 आइटा विद द प्लस माइनस साइन, ठीक है, या फिर मेरे पास में प्लस माइनस 6 आएगा। तो जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही प्लस माइनस 6 है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट तो 0 है, वो नहीं दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन कट हो गया। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि या तो उसने दे रखा है कि दो है मेरे पास में इमेजिनरी पार्ट, या तो 2 रूट 6 लिखोगे गाइस, या लिखोगे माइनस 2 रूट 6। आई थिंक ये मेरे फेस पे आ रहा है, ठीक है, ये मुझे नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा, सो फेस कवर कर रहा है, 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 6, सो द आंसर इज सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था पहला, और बहुत ही कैलकुलेशन बेस्ड था, पूरी वैल्यू सही से कैलकुलेट करोगे तो आएगा जल्दी, क्योंकि मैंने आपको बोला ही था कि बहुत इजी क्वेश्चन इस बार जेईई मेंस में आने वाले हैं, और ये बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है, जो हम लोग अनअकैडमी पे एक सीरीज चलाई थी हमने, रिव्यू सीरीज, वो अप्रैल से स्टार्ट हुई थी, अप्रैल से और पूरा अगस्त तक हम लोग गए थे, और बार बार मैं बोल रहा था कि कोरोना की वजह से जो है क्वेश्चन पेपर बहुत ईजी आने वाला गाइस, है ना, और वही है एग्जैक्टली, आप ये बहुत हलवा क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आप बहुत फास्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 1 प्लस आइटा अपन 1 माइनस आइटा पावर m बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा n बाई 3 इक्वल टू 1, एम एन बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, फाइंड द एस सी एफ ऑफ, एस सी एफ मीन्स जीसीडी, जीसीडी या सिंपली बोलो कॉमन लेना, दो नंबर्स के बीच में जो कॉमन होता है, ठीक है, सो गेट एस कॉमन वैल्यू, तो वही वैल्यू देती है, देन यू हैव टू फाइंड आउट द फॉर द लीस्ट m एंड n, ठीक है। इस पे एक काम करोगे, इसको रैशनलाइज करो गाइस, सो 1 प्लस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा
इसको अगर मैं 1 प्लस आइटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये नंबर जो है, बस मैं एक ही को करूंगा क्योंकि दूसरे की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह से इस पे भी वर्क हो जाएगा, तो ये हो जाता है 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस 2 आइटा प्लस आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर इज माइनस 1, ठीक है। और नीचे मिलेगा 2, इसकी पावर कितनी हो गई, इसकी पावर m बाई 2 होगी, ठीक है। सो ये नंबर 1 1 कैंसिल हो, 2 कैंसिल हो गया, तो आइटा की पावर m बाई 2 आ रहा है। अब मुझे इसको 1 से कंपेयर कराना है, तो मैं पावर 4 करके 4 से डिवाइड करूंगा, आइटा की पावर 4 करके इधर m बाय 8 कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसको 1 करना है मुझे, ठीक है। तो ये अगर 1 होता है, ये वैल्यू अगर पावर 1 हो जाएगी तो ये तो 1 हो जाएगा, तो इट मीन्स m बाय 8 इक्वल्स टू 1, तो m की वैल्यू कितनी दे देगा, 8। सिमिलरली यहां पे भी वही चीज हो जाएगी, यहां पे n बाय 3 है, तो यहां इंटरनली नंबर हमें कितना मिल गया, आइटा मिल गया, दिस इज आइटा, आइटा की पावर n बाय 3 आ जाएगा। और अब आप वही काम करेंगे, आइटा 4 करेंगे, पावर 4 चढ़ाएंगे तो 4 पावर से डिवाइड भी करना पड़ेगा, काउंटर बैलेंस, ठीक है। तो यहां पे 12 आ जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1, अगेन यू कंपेयर फर्स्ट सेकेंड विद द थर्ड वन, तो वैल्यू आ जाएगी 1, तो इट मीन्स n बाई 12 की वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो n के वैल्यू की हो गई 12। सो ये m और n की वैल्यूज आ गई मेरे पास में, m 8 है और n मेरे पास 12 है, और दोनों का मुझे कॉमन निकालना है, मैक्सिमम कॉमन, ठीक है ना। सो कॉमन तो यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, सो दैट कॉमन वैल्यू इज है 4, ठीक है। सो यू कैन टेक आउट द 4 कॉमन फ्रॉम दिस, इतना इजी क्वेश्चन दिया है, राइट। यस गाइस, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इफ z1 माइनस 1 मॉड्यूलस इज गिवन, z1 माइनस 1, ओके, सो z1 माइनस 1 मॉड्यूलस इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z1 गिवन, सिमिलरली z2 माइनस 1 मॉड्यूलस इज रियल पार्ट ऑफ z2 गिवन, एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2 पाई बाय 3, एंड देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2, वो आपको निकालना है, ठीक है ना। तो पहले एक काम करेंगे, z1 और z2 दोनों आप लेट कर लीजिए, z1 ले लीजिए x1 प्लस आइटा y1, और इसी तरह से z2 ले लेंगे, z2 इज x2 प्लस आइटा y2। तो सारी इंफॉर्मेशन में प्लेस करता हूं जो जो इसने दे रखा है, कि z1 माइनस 1 का मतलब क्या, माइनस 1, तो ये इस जगह पे बनेगा x1 प्लस आइटा y1 माइनस 1, तो x1 माइनस 1 एंड प्लस का आइटा y1 हो जाएगा ये नंबर, राइट, इसका मॉड्यूलस, और रियल पार्ट ऑफ z1 मीन्स x1, ठीक है। तो इस वैल्यू को आप बेटर है कि स्क्वायर कर दीजिएगा, x1 माइनस 1 का स्क्वायर आएगा एंड प्लस y1 स्क्वायर आएगा इक्वल्स टू x1 स्क्वायर, राइट। सो वी कैन राइट द x1 स्क्वायर कैंसिल होगा, y1 स्क्वायर बनेगा माइनस का 2x1 वैल्यू बनेगी, प्लस 1 बनेगा इक्वल टू 0। दिस विल बी द लेट से फर्स्ट इक्वेशन, पहले हम सारी जो रॉ मटेरियल हम क्रिएट कर सकते हैं वो सारा रख रहे हैं, फिर हमें मालूम पड़ जाएगा कि इस पे कैसे वर्कआउट करेंगे, ठीक है ना। सो सिमिलरली सेकेंड z2 में सेम कंडीशन है, तो सिमिलरली ऑल्सो यू कैन राइट फॉर द सेकेंड वन, y2 स्क्वायर माइनस 2x2 प्लस 1 इक्वल टू 0, बोले इसको सेकेंड को भी ऐसा कैसे ही लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक और सेकेंड रिलेशन इसी तरह से दिया हुआ है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2, अगर z1 माइनस z2 करते हो तो आपको मिलेगा क्या, z1 माइनस z2 पहले निकालेंगे, x1 माइनस x2 प्लस का आइटा y1 माइनस y2। अगर इसका मैं आर्ग्यूमेंट करता हूँ, आर्ग्यूमेंट मैंने एंगल निकाला, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2 मीन्स दिस इज tan inverse of y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, जो कि जनरल फॉर्म में इसी तरह से लिखा जाता है। इस वैल्यू को दे रहा है ये पाई बाई 3 के इक्वल, इसका मतलब ये हो गया y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 किसके इक्वल हो गया, tan पाई बाई 3, जो कि रूट 3 के इक्वल होता है। तो देखिए हमें तीसरी इक्वेशन ये मिल गई, तीन हमारे पास कंडीशन आ चुकी हैं, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2, तो दोनों को ऐड करेंगे तो मींस y1 प्लस y2 की वैल्यू निकालनी। नाउ तो मेन पॉइंट है टू फाइंड आउट क्या है, टू फाइंड आउट मींस यू हैव टू फाइंड आउट द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2। सो y1 प्लस y2 की वैल्यू निकालनी है आपको, यही काम करना है इसमें, ठीक है ना। तो अब एक काम करेंगे कि पहले y1 प्लस y2, तो इसमें से इसको मैं माइनस करता हूँ, माइनस करने में देखिए क्या होएगा, y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर एंड माइनस का
माइनस का टू टाइम्स ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू एंड वन खत्म हो गया, तो इसको आप लिख सकते हैं वाई वन माइनस वाई टू एंड वाई वन प्लस वाई टू। निकालना तो मुझे ये है इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू आएगा, ठीक है। और मेरे पास में एक वैल्यू भी है कि मैं उसको लिख सकता हूँ वाई वन माइनस वाई टू, वैल्यू लिख सकता हूँ मैं वाई वन माइनस वाई टू अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू। तो पूरे को एक्स वन माइनस एक्स टू से डिवाइड करेंगे, वाई वन माइनस वाई टू अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू, राइट, इंटू इंटू दिस इज वाई वन प्लस वाई टू, वाई वन प्लस वाई टू इक्वल टू टू। और ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास में वाई वन माइनस वाई टू अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू, दिस इज रूट थ्री, दिस इज रूट थ्री, तो इधर आएगा तो डिवाइड करेगा इसको। सो वाई वन प्लस वाई टू की वैल्यू कितनी होगी, ये रूट थ्री है, सो दिस वैल्यू इज टू बाय रूट थ्री, बस। तो यही सिंपली टू बाय रूट थ्री, सो द सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, वेरी इजी। आपको सारा रॉ मटेरियल क्रिएट कर लेना, ऑटोमेटिक मालूम चल जाता है इसमें क्या करना है, ठीक है। सो गाइज दैट्स इट फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर इन 55 पार्ट्स वी हैव कम्प्लीटेड अप टू 2020 तक के सारे क्वेश्चंस इसमें कंप्लीट हो गए, और उसके बाद में जब कभी आगे एग्जाम होगा तो फर्दर क्वेश्चंस मैं इसी तरह से अपडेट करता रहूँगा। कॉम्प्लेक्स नंबर अभी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है हमारा, इसके बाद में हम कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेंगे। सो फर्स्ट आई विल कंप्लीट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड देन विल स्विच टू द सम जनरल टॉपिक्स, सो दिस विल बी देयर गाइस। ऑल द बेस्ट, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो भी बच्चे देख रहे हैं, और दूसरे बच्चों को आप बताइए जो कि जिनको की ज़रूरत है इस तरह के कंटेंट की, सिस्टमेटिक वे में सारे वीडियोस प्लेस किए हुए हैं एंड एवरीथिंग इज फ्री नाउ, द थ्योरी कंटेंट इज फ्री गाइस एंड द सॉल्व एग्जांपल्स इज फ्री, राइट, दैट इज अवेलेबल इनटू द एनी चैप्टर्स फर्स्ट पार्ट। किसी भी चैप्टर कोई प्लेलिस्ट आप ओपन करते हैं तो जो पहला चैप्टर ओपन उसका जो फर्स्ट पार्ट होगा, फर्स्ट पार्ट के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे गाइस तो आपको थ्योरी मॉड्यूल्स मिलते हैं और उसका लिंक है, सो क्लिक करेंगे एंड यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड दैट लिंक, राइट, उसको पूरी पीडीएफ आपकी डाउनलोड हो जाएगी। सेकंड जाएंगे आप सॉल्व एग्जांपल्स पे, सॉल्व एग्जांपल्स आपको मिलेंगे वो भी इसी जगह पे है, फर्स्ट पार्ट के डिस्क्रिप्शन में हर चैप्टर के इसी यूट्यूब चैनल पे, राइट, तो उसके डिस्क्रिप्शन में जाने का। और इसी तरह से थ्योरी मॉड्यूल प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने बोला, और इसी तरह से आप पीवाईक्यूज सारे सॉल्व एग्जांपल्स के बाद प्रीवियस क्वेश्चंस और यहाँ, तो वो तीनों चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी गाइस। ओके, ऑल द बेस्ट।